तो चलिए आज हम बनाते हैं मुंबई का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड जो कि है पाव भाजी। ये बहुत ही बनाना आसान है और एकदम स्ट्रीट स्टाइल हम लोग बनाएंगे। तो चलिए उसके लिए एक कुकर में हम लोग तेल डाल देंगे करीबन 2 से 3 स्पून। उसमें जीरा डाल देंगे थोड़ा सा। फिर उसमें हम लोग कुछ वेजेस डाल देंगे। मैंने यहाँ पे बीट डाला है, बीट रूट, और गाजर डाली है, और पोटैटो डाला है। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे काट के डाले हैं जिससे कि जल्दी वो गल जाए, क्योंकि हमें इसे उबालना है। आप चाहे तो मोटा मोटा टुकड़ा भी डाल सकते हो। अभी फिर उसमें टमाटर डालेंगे, एक टमाटर डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें मटर भी डाले हैं। और इसे हम अच्छे से 2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे, मिला लेंगे। फिर उसमें नमक डाल के अच्छे से घुमा लेंगे। 1 टेबल स्पून ही नमक डाला है मैंने। फिर उसमें से थोड़ा सा हम लोग पानी डालेंगे, सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे जितना कि सब्जी जो है वो अंदर डूब जाए। और फिर उसे हम 3 सीटी आने तक पका लेंगे। दूसरे पैन में हम लोग तेल डाल देंगे करीबन 2 से 3 टेबल स्पून, और फिर हमें उसमें बटर डालना है। बटर हमें ज़्यादा डालना है, जो कि स्ट्रीट पे मिलता है ना पाव भाजी, उसमें बटर ही बहुत होता है और उसी का ही स्वाद आता है। बटर का एकदम बटरी बटरी लगता है। तो फिर उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे और उसे अच्छे से सौटे कर लेंगे, पका लेंगे, जैसे कि उसका सारा कच्चापन निकल जाए। और फिर उसमें हम लोग शिमला मिर्च डालेंगे, कटी हुई, बारीक कटी हुई डालेंगे। तो उसे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक उसे पका लेंगे। मैंने 2 बड़े कांदे लिए हैं, उसे बारीक काट कर उसमें डाल दिया है, और उससे भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे, अच्छे से उसका भी कच्चापन जो है वो निकल जाए। चलिए बारी आती है मसालों की। तो उसमें डाल देंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और पाव भाजी मसाला, और फिर डालेंगे कसूरी मेथी। इसका जो स्वाद है ना वो भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो उसे हथेली पे रख के थोड़ा सा ऐसे क्रश करके डालेंगे, जैसे कि उसका स्वाद और भी अच्छा आए। चीज़ों को अभी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जैसे मसाले जो हैं वो पक जाए अच्छे से और उसका फ्लेवर एकदम खिल के आए। जी बॉयल कर की थी ना वो भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे। और उसे हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, जब तक वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी ना तो उसे मैश करना बहुत आसान होगा। किसी के पास अगर ब्लेंडर है तो वो ब्लेंडर से भी मिक्स कर सकता है, पर हम स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो हम तो भाई मैशर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो जी जो है वो थिक हो जाए तो उसे ऐसे मैशर से मिला लेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे, जैसे कि सारी सब्जियां हैं वो अच्छे से मैश हो जाए। अच्छे से मैश हो जाए ना उतना हम इसको ऐसे मैश कर लेंगे। उसमें अभी हम पानी डालेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक है कंसिस्टेंसी, हमें थोड़ी सी पतली चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और उसे पानी डाल के 5 से 7 मिनट तक और पकाएंगे हम, जैसे कि पानी और सब्जी जो है, मसाले, सब्जियां एक दूसरे में एकदम मिक्स हो जाएं। तो बस उसे फिर 5 से 7 मिनट पकाने के बाद बंद कर लें। फिर चलिए अभी हम पाव की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन में हम लोग बटर ले लेंगे, जैसे स्ट्रीट पे मिलता है ना बिल्कुल वैसा। फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और थोड़ी सी हम लोग पाव भाजी डाल देंगे। आपने देखा होगा कि पाव भाजी जब भी हम लोग स्ट्रीट पे जाते हैं तो वो लोग टिक्की तवा होता है जिसपे वो लोग पाव भाजी भी बनाते हैं और पाव भी सेक के देते हैं हमको। तो फिर हमने तो कढ़ाई में बनाई है, तो उसका टेक्सचर लाने के लिए हम लोग ऐसे पाव को सेक लेंगे जैसे कि एकदम स्ट्रीट स्टाइल लगे। और सच मानिएगा ये इतनी टेस्टी बनी है ना। और फिर उसे थोड़ा सा सजाने के लिए ऊपर से मैंने बटर भी डाला है। आप चाहो तो बटर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, पर भाई स्ट्रीट स्टाइल बना रहे हैं तो बटर तो चाहिए होगा। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। थैंक यू।